न्यूज़पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। यहां तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। चुनाव नतीजों के दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार में अगले दिन बुधवार को भारी बढ़त दर्ज की गई। सरकार गठन की कवायद के बीच बैंक और मेटल समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इस वजह से सेंसेक्स 2303 अंकों की भारी बढ़त के साथ 74382 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 736 अंक उछलकर 22620 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 80 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 72820 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1200 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 91900 रुपए पर पहुंची। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए खास सेवा शुरू की है, जिसे फेयर लॉक सर्विस नाम दिया गया है। इससे अब पैसेंजर्स 48 घंटों के लिए उनकी ओर से सिलेक्ट किए गए किराए को लॉक कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए पैसेंजर्स को 500 से 1500 रुपए तक फीस का भुगतान भी करना पड़ेगा। जीप इंडिया ने अपनी नई कार मेरिडियन एक्स स्पेशल एडिशन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 34 लाख रुपए है। कंपनी ने इसके लिमिटेड मॉडल्स को ही मार्केट में उतारा है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है।